सो हाय गाइस, सो आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो भाई आप लोगों को भी सीखना है फ़ोटो एडिटिंग 15 अगस्त। तो भाई वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखना है भाई। वीडियो में भाई मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ 15 अगस्त फ़ोटो एडिटिंग कैसे एडिट होता है। तो भाई वीडियो में बने रहना, वीडियो को फुल वॉच करना भाई, ठीक है। लाइक शेयर भाई कमेंट करते रहना, आप लोगों के लिए मैं वीडियो लाता रहूँगा, ठीक। तो भाई बिना किसी देर के वीडियो को कर लेते हैं हम स्टार्ट। तो चलते हैं पिक्सआर्ट के अंदर। भाई आप लोग आ जाना है पिक्सआर्ट के अंदर। भाई मैं बैकग्राउंड ऐड कर ले रहा हूँ, यहाँ टूल्स पे क्लिक कर दे रहा हूँ। यहाँ भाई क्रॉप पे आकर भाई 3.4 रख लेना है आपको, यहाँ पे कर देना है सेव। सेव करने के बाद टूल्स पे क्लिक करेंगे, रिसाइज पे क्लिक करके भाई रिसाइज को थोड़ा हम बढ़ा लेंगे क्योंकि भाई फ़ोटो फटे ना, यहाँ से कर लेंगे सेव। तो भाई आ जाते हैं ऐड फोटो पे। ऐड फ़ोटो पे आने के बाद भाई यहाँ से अपना PNG हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद भाई देख रहे हो बगल में जो फ़ोटो रूम से काटे थे भाई, थोड़ा मिस्टेक हो चुका है जो मैं इरेज करने वाला हूँ, देख सकते हो बगल में। तो भाई हम थोड़ा वीडियो यहाँ पर हम कर लेते हैं फास्ट। तो भाई लोग देख सकते हो मेरा फ़ोटो इरेज हो चुका है, यहाँ से हम कर लेंगे फ़ोटो को सेव। सेव करने के बाद भाई आ जाएंगे ऐड फोटो पे, जो भाई मैं एक PNG लेता हूँ, जो भाई आप लोग डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ तिरंगा वाला PNG ले लेते हैं 15 अगस्त का, दोनों झंडा वाला भी ले लेते हैं साथ में। भाई यहाँ से हम कर लेंगे PNG को एडजस्ट, देख सकते हो भाई कितना ऑसम लग रहा है ना। तो भाई यहाँ से हम कर लेंगे यहाँ से सेव। तो फिर भाई हम ऐड फ़ोटो पे क्लिक करते हैं। तो भाई यहाँ से कुछ मैं PNG लेना ले रहा हूँ एक झंडे का, यहाँ से हम कर लेंगे ऐड फ़ोटो पे क्लिक। दो PNG ले रख लेते हैं। तो भाई हम इसको कुछ इस तरीके से रख दे रहा हूँ जो भाई देखने में अच्छा दिखे फ़ोटो आप लोगों को। भाई जो झंडा है मैं हाथ में पकड़ाने वाला हूँ भाई, देखोगे तो भाई कहोगे क्या ही भाई फ़ोटो एडिट किए हो। यहाँ पर भाई झंडा एडजस्ट कर रहा हूँ, आप लोगों को भी ऐसा कर लेना है। इरेज पे आने के बाद भाई यहाँ जो जो हाथ पे दिख रहा है डंडा, तो भाई उसको हम इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि भाई देखने में लगे कि हाँ भाई रियल है। तो भाई यहाँ से हम कर लेते हैं सेव। सेव करने के बाद भाई एक PNG और हम यहाँ से ऐड करेंगे। ऐड करेंगे भाई जो भाई चिड़िया है, देख सकते हो यहाँ भाई कितना ऑसम लगेगा। भाई आप लोगों को भी कुछ इस तरीके से कर लेना है। भाई यहाँ पर इरेज पर क्लिक करेंगे, एक चिड़िया को भाई थोड़ा इरेज कर देंगे, थोड़ा सेव कर लेंगे। भाई डबल लेयर बनाना है तो आप लोगों को बना लेना है यहाँ से। भाई आप लोग कुछ इस तरीके से रख लेना है, ठीक है ना। भाई देख सकते हो भाई कितना ऑसम लग रहा है ना भाई। भाई फिर हम यहाँ से चिड़िया को डबल लेयर बना कर हिट्ठे करेंगे, थोड़ा हिट्ठे की तरफ। भाई यहाँ से कर लेंगे हम सेव। भाई ऐड फोटो पर क्लिक करने के बाद भाई जो तिरंगा है उसको हम ऐड करेंगे कुछ। भाई लोग आप लोगों को भी इसी तरीके से लगा लेना है डबल लेयर बनाकर, देख सकते हो भाई। आप लोग कुछ इस तरीके से रख लेना है।
तो भाई यहाँ से हम कर लेंगे सेव। सेव करने के बाद ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे, जो भाई अपना तिरंगा लेंगे, जो भाई अपना तिरंगा जान मान शान है इंडिया का। तो भाई यहाँ से हम कर लेंगे ऐड फोटो पे क्लिक। तो भाई इसको थोड़ा बढ़ा लेंगे, भाई दोनों हाथों से आपको इस तरह फ़ोटो को बढ़ा लेना है तिरंगे को। तो भाई इरेज पर क्लिक कर देंगे, तो भाई यहाँ पर आकर भाई तो आप लोग कुछ हल्के हाथों से इसको 0-0 रख कर भाई हल्का हाथों से थोड़ा लगा लेना अपने बैकग्राउंड पे, क्योंकि भाई देखने में एकदम ऑसम लगेगा, देख सकते हो भाई, है ना भाई लोग। भाई मेरा फ़ोटो ओपन कर हो चुका है तैयार, देख सकते हो यहाँ से हम कर लेंगे सेव। देख रहे हो भाई, तो भाई लाइक शेयर सब कमेंट करो भाई लोग, सपोर्ट करो।